सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी सम्मानित दियोतुल्य देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इस महान पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ और खुशहाली की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अंधेरे से प्रकाश की तरफ देश बढ़े, खुशहाली रहे, तरक्की करे, विकास के मार्ग पर चढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। आपने दो सवाल किए हैं कि एक तो सजवाती 25 लाख दीपावसों और दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाने का। देखिए, ये दीपावली का त्यौहार किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक मर्द का नहीं है। ये त्यौहार सबका है और ये कोई नया त्यौहार नहीं है। सदियों से ये त्यौहार मनाया जाता रहा है, मनाया जाएगा और हमारी ये परंपरा रही। और इतने दिए जलाए जाते हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। हम लोग तो गांव के लोग, हमारे खेतों पर, मेड़ों पर, खलिहानों पर और डेयरी पर और जहाँ पर गाय भैंस बांधी जाती है खूंटे पर और घोर पर, और अगर गिनती की जाए तो 25 लाख इन्होंने तो न जाने कई करोड़ दिया जलाए जाते हैं, लेकिन वो दीपक गांव के लोगों के, गरीबों के, किसानों के हुआ करते हैं। बाबा ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मान्य पर्व हैं उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। अभी तो राजनीति को धर्म के आधार पर किया था, अब ये हमारे त्योहारों को, जो हमारे मान्य त्योहार हैं, इन त्योहारों को हम सभी मिलजुल करके भाईचारा और प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है और पार्टी विशेष का पर्व माना है जो देश के लिए, देश की आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश की जो गंगा जमुनी संस्कृत है और हमारे देश का जो सूत्रपात है अनेकता में एकता, वो कहीं न कहीं इस तरह के विचारों से देश के लिए अच्छी बात नहीं है और देश के लिए ये अच्छी शुरुआत नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हम सभी त्योहारों को एक साथ होकर के मनाते हैं, लेकिन भाईचारा और ये कायम रखने का पूरा वो रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें तोड़ने का काम किया। ये देश कभी टूट नहीं सकता है, ये समाज टूट नहीं सकता है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है, जब भी हमारे देश पर कभी किसी शत्रु देश ने हमला किया है तो हमारे सारे देशवासी एक मत होकर, एक राय होकर, एक झंडे के नीचे खड़े होकर के देश के सम्मान की रक्षा की है, देश के राष्ट्रीय तिरंगा झंडे का सम्मान किया है और एकता का परिचय दिया है। देश कभी टूट नहीं सकता है। लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास करें देश को टूटने का, बांटने का और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार करने का, वो चलने वाला नहीं है। देश महान है, महान रहेगा। दो दो विश्व रिकॉर्ड बना बाबूजी, अयोध्या के लिए गरिमा में बस बता रहे हैं लोग, विश्व रिकॉर्ड 8वीं बार विश्व रिकॉर्ड बना। इस रिकॉर्ड का कोई मतलब थोड़े, अगर रिकॉर्ड देखा जाए
तो जोगी बाबा ने तो बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगार किया है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है, हमारी देश की दौलत हमारे इंसान होते हैं, देश के युवा होते हैं, देश के नागरिक हुआ करते हैं। आज अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है कि हमारे देश में करोड़ों 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 नौजवान पढ़े लिखे युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए अपनी वो बेरोजगार हैं, उनके हाथ में कोई काम नहीं है। ये विश्व रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं उनके हाथ में कोई काम नहीं, नौकरी नहीं है, नौकरी निकलती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। ये भी सरकार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और करोड़ों नौजवान आज हमारे देश के आज बेरोजगार हैं। ये विश्व रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में, ये सब विश्व रिकॉर्ड है। आज विश्व रिकॉर्ड बनाया है कानून व्यवस्था का, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, अपराध बढ़े हैं। ये बाबा योगी बाबा के राज का रिकॉर्ड है, ये विश्व का, ये सारे रिकॉर्ड है। गरीबी महंगाई विश्व रिकॉर्ड है, ये सारे विश्व रिकॉर्ड हैं। और ये कि दीपक जला दिया, ये कर दिया, तो दीपक तो अगर जोड़ा जाए तो अनगिनत दीपक, लेकिन वो दीपक किसके हैं? गरीबों के, कमजोरों के, किसानों के। तो उस दीपक में तो गरीब लोग उड़ाए नहीं गए थे, उनको जाने का इजाजत नहीं थी। गरीब को, किसान को, उपेक्षित लोगों को वहाँ कहाँ सुनवाई थी? ये रिकॉर्ड बनाया है, ये सारे विश्व रिकॉर्ड हैं जो आदरणीय जोगी बाबा ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो हमारे प्रदेश का किसान है। किसान अन्नदाता है और हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर देवी देवता के बाद किसी का सम्मान इस धरती पर, किसी का आदर इस धरती पर होना चाहिए तो हमारे देश का, प्रदेश का किसान है। लेकिन किसान आज बहुत परेशान है। किसान आज खाना पीना खा करके अपने बाल बच्चों के साथ उसकी रात नहीं गुजरती घरों पर, रात गुजरती है खेत में, रात गुजरती मेघड़ों पर। खेती को बचाने के लिए किसानों के दर से आज वो घर छोड़ करके, ये हालत है। आज जोगी बाबा की सरकार है, किसानों के लिए इन्होंने गौशालाओं का निर्माण किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे प्रदेश की गौशालाओं में जिस तरह से हमारी गायें, जिस तरह से हमारे पशु वहां बंद हैं, उनको पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की भूसा चारा की व्यवस्था नहीं है, दवाई की नहीं है। और वहां पर चले जाइए रोजाना, हमारी ये गायें भूख से प्यास से तड़प रही हैं। और ऐसे समय पर जब इस प्रदेश का एक साधु सन्यासी मुख्यमंत्री हो और उसके राज में हमारी गौ माताएं हैं, ये गौ माता है, गौ माता पानी के बगैर तड़पे, उनके लिए कोई अवतार नहीं है, उनके लिए भरपेट भोजन नहीं है, चारा नहीं है, चराहा नहीं है, और बीमार है तो उनके लिए दवाई नहीं है। ये सरकार जो एक साधु सन्यासी योगी बाबा की नेतृत्व में बनी है, उस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए।